हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी, महाराष्ट्र, इंडिया। सो टुडे वी विल डिस्कस सेक्शन 284 टू सेक्शन 290 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। दिस पर्टिकुलर सेक्शन डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 284 से लेकर सेक्शन 290 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जिसमें प्रोविजन है कि कब कमीशन अपॉइंट होगा किसी पर्टिकुलर विटनेस का एग्जामिनेशन के लिए। सारा सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल, सेक्शन 284 टू 290। सो पार्ट बी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज रिलेटिंग टू कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। सेक्शन 284 डील्स विद व्हेन अटेंडेंस ऑफ विटनेस मे बी डिस्पेंस्ड विद एंड कमीशन इशूड, सेक्शन 284। सो वेन एवर इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड, इट अपियर्स टू अ कोर्ट और मैजिस्ट्रेट दैट द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इज नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। सो वेन एवर इफ द कोर्ट फील्स इन द इंक्वायरी और ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग दैट द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इज नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। तो जब कभी भी मैजिस्ट्रेट को किसी ट्रायल या इंक्वायरी या और कोई प्रोसीडिंग कोर्ट में होती है, अगर लगता है कि इस पर्टिकुलर विटनेस का एग्जामिनेशन जरूरी है इंसाफ के लिए, एंड ऑफ जस्टिस के लिए, तो एंड दैट द अटेंडेंस ऑफ सच विटनेस कैनॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस विच अंडर द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस वुड बी अनरीजनेबल। और कोर्ट को ये लगता है कि इस विटनेस का एग्जामिनेशन तो जरूरी है, लेकिन इस विटनेस का एग्जामिनेशन, अगर फॉर एग्जाम्पल इस विटनेस को अगर हमको कोर्ट में बुलाना है तो ये कोर्ट में इसको हम बुलाएंगे तो देर हो जाएगी, या ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, अगर उसको हम कोर्ट में बुलाएंगे तो एक्सपेंसेस ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा लगेगा, या बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होगा, ऐसा अगर लगता है तो अंडर द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस वुड बी अनरीजनेबल। और ये सारी चीज़ें कोर्ट को अनरीजनेबल लग रही है, तो कोर्ट को लग तो रहा है इंक्वायरी और ट्रायल में कि ये विटनेस का एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो विटनेस को बुलाने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, या बहुत ज़्यादा खर्च होगा, या इनकन्वीनियंस होगा। तो ये तीनों सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकता है, अ कोर्ट और मैजिस्ट्रेट मे डिस्पेंस विद सच अटेंडेंस एंड मे इशू अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। तो कोर्ट क्या करेगा, उसका अटेंडेंस को डिस्पेंस करेगा, उसको कोर्ट में नहीं बुलाएगा वो विटनेस को, बल्कि क्या करेगा, कोर्ट में इशू अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। तो कोर्ट विल अपॉइंट अ कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ दैट विटनेस। तो कोर्ट उसको कोर्ट में नहीं बुलाएगा, बल्कि एक कमीशन अपॉइंट करेगा और वो कमीशन वहां पर जाकर उस विटनेस का एग्जामिनेशन करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। अब देखो, प्रोवाइडेड दैट वेयर द एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी एज अ विटनेस इज नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, अ कमीशन शैल बी इशूड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सच अ विटनेस। सपोज इफ द एग्जामिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ अ स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी इज रिक्वायर्ड, then under such a circumstances commission shall be issued for the examination of such witness। to agar president ko as a witness examine karna hai, vice president ko as a witness examine karna hai, ya governor ko as a witness examine karna hai, ya koi union territory ya state ka koi administrator hai usko as a witness examine karna hai, to usko court mein bulaya nahi jayega, balki commission appoint karenge aur wo commission अपॉइंट किया हुआ है वो वहां पर जाके इन पर्सन को एग्जामिन करेगा एज अ विटनेस। द कोर्ट में व्हेन इशूइंग अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन डायरेक्ट दैट सच अमाउंट एज द कोर्ट कंसिडर रीजनेबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द अक्यूज इंक्लूडिंग द प्लीडर्स फीस बी पेड बाय द प्रोसिक्यूशन। जब कभी भी कोर्ट कमीशन इशू करेगा
किसके लिए? फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन। अगर प्रोसिक्यूशन के किसी विटनेस को एग्जामाइन करने के लिए अगर कोर्ट कमीशन इशू करता है तो उस सिचुएशन में प्रोसिक्यूशन को डायरेक्ट करेगा कोर्ट के यू हैव टू डिपॉजिट द अमाउंट। प्रोसिक्यूशन को ये कहेगा कि आपने इतना इतना पैसा कोर्ट में जमा करना है, काहे के लिए? टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द अक्यूज्ड। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखिए कि प्रोसिक्यूशन के विटनेस को एग्जामाइन करना है, वहां पर जाकर उसको कोर्ट में नहीं बुलाया जा रहा है बल्कि उसके पास कमीशन जाके उसको एग्जामाइन करेगा। तो हमको यह भी पता है कि जब कभी भी किसी विटनेस का एग्जामिनेशन होगा तो वो अक्यूज्ड के प्रेजेंसी में होगा, तो अक्यूज्ड को भी वहीं पर जाना पड़ेगा जहां पर प्रोसिक्यूशन की विटनेस को एग्जामाइन किया जा रहा है। कमीशन प्रोसिक्यूशन के विटनेस को जहां पर जाके एग्जामाइन करेगा, अक्यूज्ड को भी वहीं पर जाना पड़ेगा। तो अक्यूज्ड को वहां पर जाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आएंगे, अक्यूज्ड के एडवोकेट को वहां पर जाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आएंगे, वो कौन पे करेगा? बी पेड बाय द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन वो पे करेगा। प्रोबेबल क्वेश्चन है 284 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राउंड फॉर इश्यूएंस ऑफ कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, सेक्शन 284। If attendance of such witness cannot be procured without an amount of delay, if attendance of such witness cannot be procured without expenses, if attendance of such witness cannot be procured without an inconvenience, all of the above. So here the all of the above is the correct answer. मतलब देरी हो सकती है, ज्यादा खर्च है या inconvenience है, तभी court commission appoint करेगा। तो all of the above is the correct answer. D. Next one is section 285. Commission to whom to be issued. So, if the witness is within the territories to which this code extend, so for example, criminal procedure code जहां तक extend करता है, जहां तक applicable है, तो अगर witness उस territory में अगर है, the commission shall be directed to the chief metropolitan magistrate or the chief judicial magistrate as the case may be, within whose local jurisdiction the witness is to be found. For example, के अगर फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में कोई कोर्ट है एक, और जो विटनेस है वो केरल के कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, केरल के कोर्ट में है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो कमीशन किसको डायरेक्ट किया जाएगा, ये कमीशन डायरेक्ट किया जाएगा केरल के चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिसके जुरिस्डिक्शन में वो विटनेस रहता है। समझ रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के किसी कोर्ट ने कमीशन अपॉइंट किया काय के लिए? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए, और वो कमीशन कहाँ जाने वाला है? केरल के, केरल में एक विटनेस है, केरल के कोई एक गांव में या एक शहर में वो विटनेस है, उसके एग्जामिनेशन के लिए वो कमीशन वहां पर जाने वाला है। तो ये कमीशन को डायरेक्ट कहाँ करेगा, यहाँ का कोर्ट डायरेक्ट कहाँ करेगा? वहां के चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को जिसके जुरिस्डिक्शन में जो विटनेस है जिसका एग्जामिनेशन होना है, तो ये कमीशन को डायरेक्ट किया जाएगा उस कोर्ट को। इफ द विटनेस इज इन इंडिया बट इन अ स्टेट और एन एरिया टू विच दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड, द कमीशन शैल बी डायरेक्टेड टू सच कोर्ट और ऑफिसर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो अगर विटनेस फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ही है जिसको एग्जामिन किया जाना है, लेकिन वो ऐसे स्टेट में है या ऐसे एरिया में है जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लीकेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में विटनेस किसको डायरेक्ट किया जाएगा? So, to such court or officer as the central government may by notification specify. तो ऐसे court को या ऐसे officer को direct किया जाएगा commission जो central government specify करेगा। तो commission तो ये court appoint कर रहा है, लेकिन direct किसको किया जा रहा है? वहां के court को जिसके jurisdiction में वो witness रह रहा है। If the witness is in a country or place outside India, an arrangement have been made by the central government with the government of such country or place for taking the evidence of witness in relation to criminal matter, the commission shall be issued in such form, directed to such court or officer and sent to such authority for transmission as the central government may by notification prescribed in this behalf. So for example, अगर witness कोई outside India, दूसरे कंट्री में अगर विटनेस रह रहा है और उसका एग्जामिनेशन अगर करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर वहां के गवर्नमेंट से रिलेशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा प्रिस्क्राइब करेगा उस तरीके से वहां के पर्सन का दूसरे कंट्री के विटनेस का एग्जामिनेशन होगा, वो कमीशन जाकर उसका एग्जामिनेशन करेगा। सेक्शन 286 इज दैट एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशंस।
So upon receipt of the commission, the chief metropolitan magistrate or chief judicial magistrate or such metropolitan or judicial magistrate as he may appoint in his behalf shall summon the witness before him or proceed to the place where the witness is. तो क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ का अगर महाराष्ट्र का कोर्ट है वो कमीशन इशू कर रहा है कहाँ के पर्सन के एग्जामिनेशन के लिए, केरल के पर्सन के एग्जामिनेशन के लिए, केरल में विटनेस है उसके एग्जामिनेशन के लिए, तो कमीशन को कहाँ डायरेक्ट किया जाएगा, केरल का जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है उसको डायरेक्ट किया जाएगा। ये कमीशन केरल के उस कोर्ट के पास जाएगा और वो डायरेक्शन बताएगा कि आपको डायरेक्ट किया गया है, आपके ज्यूरिसडिक्शन में ये विटनेस है, हम उसको एग्जामाइन करना चाहते हैं। तो वो कोर्ट क्या करेगा, वहां के विटनेस को समन्स भेजेगा और उसको कोर्ट में बुलाएगा और उसका एग्जामिनेशन होगा, या तो वो कोर्ट खुद उस पर्सन के पास जाएगा और वहां पर उस विटनेस का एग्जामिनेशन होगा। एंड शल टेक डाउन हिज एविडेंस इन द सेम मैनर एंड मे फॉर दिस पर्पस एक्सरसाइज द सेम पावर एज इन ट्रायल्स और वारंट केसेस अंडर दिस कोर्ट। तो वो विटनेस को एग्जामाइन करने के लिए कमीशन को सारे पावर रहेंगे जो किसी नॉर्मल कोर्ट को है एग्जामिनेशन के। तो विटनेस के एग्जामिनेशन के नॉर्मल कोर्ट को जो पावर है वो कमीशन को भी वही पावर होगी, उसी तरीके से उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा उस विटनेस का। So parties may examine witnesses, section 287. So the parties to any proceeding under this code in which a commission is issued may respectively forward any interrogatories in writing which the court or magistrate directing the commission may think relevant to the issue. तो जो parties है proceeding के, दोनों parties है, for example prosecution और defence है, तो जब कभी भी the parties to any proceeding under this code in which a commission is issued may respectively forward any interrogatories in writing. तो वो जो पार्टीज है दोनों, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, तो कमीशन को जब इशू किया जा रहा है तो उनके साथ वो सवाल भेजेंगे, इंट्रोगेटरीज के क्या क्या सवाल उनको पूछना है, रिटर्न फॉर्म में सवाल भेजे जाएंगे विच द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट डायरेक्टिंग द कमीशन मे थिंक रिलीवेंट टू द इशू। एंड इट शल बी लॉफुल फॉर द मैजिस्ट्रेट कोर्ट और ऑफिसर to whom the commission is directed or to whom the duty of executing it is delegated to examining the witness upon such interrogatories, aur wo magistrate jo examine kar raha hai usko lawful rahega ki jo parties ne, jo proceeding ki parties hai, prosecution aur defense hai, jinhone sawal bheje hai, jo us witness ko puche jane hai, to magistrate wo sare sawal unko pooch sakta hai, hai na, wo pooch sakta hai aur uske jawab wo le sakta hai। एनी सच पार्टी में अपियर बिफोर सच मैजिस्ट्रेट कोर्ट और ऑफिसर बाय प्लीडर और इफ नॉट इन कस्टडी इन पर्सन एंड मे एग्जामाइन क्रॉस एग्जामाइन एंड री एग्जामाइन एज केस मी द सेड एज द केस मे बी द सेड विटनेस। सो एनी सच पार्टी में अपियर बिफोर सच ए मैजिस्ट्रेट, और वो जो पार्टी है प्रोसीडिंग की वो उस मैजिस्ट्रेट के पास अपियर भी हो सकती है, और कोर्ट और ऑफिसर बाय प्लीडर और इफ नॉट इन कस्टडी इन पर्सन एंड मे एग्जामाइन क्रॉस एग्जामाइन एंड री एग्जामाइन द सेड विटनेस। तो वो पार्टी आकर उस विटनेस को एग्जामाइन भी कर सकती है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस आकर उस विटनेस को वहां पर जाकर एग्जामाइन भी कर सकते हैं। सेक्शन 288 इज दैट रिटर्न ऑफ कमीशन। आफ्टर एनी कमीशन इशूड अंडर सेक्शन 284 हैज बीन ड्यूली एग्जीक्यूटेड it shall be returned together with the deposition of the witness examined there under to the court or magistrate issuing the commission। to agar for example koi magistrate commission ko issue karta hai section 284 mein to wo commission jayega us witness ka examination karega aur wo jo deposition usne liya hai jo examination record kiya hai wo examination ke sath issuing court ke paas wo wapis aayega and the commission the return thereto and the deposition shall be open at all reasonable time to inspection of the parties and may subject to all just exception be read in evidence in the case by either party and shall form part of the record। तो जो कुछ भी उस विटनेस का डिपोजिशन है वो विटनेस का जो कमीशन ने रिकॉर्ड करके लाया हुआ एविडेंस है वो रिकॉर्ड वो एविडेंस दोनों पार्टीज के लिए अवेलेबल रहेगा, वो पार्टीज उसको चेक कर सकते हैं, उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द राइट ऑफ दैट पार्टीज। एनी डिपोजिशन सो टेकन इफ इट इज इट सेटिस्फाई द कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय सेक्शन 33 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 मे ऑल्सो बी रिसीव्ड इन एविडेंस एट
एनी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द केस बिफोर अनदर कोर्ट. तो अगर वो सेक्शन 33 की अगर कंडीशन फुलफिल करता है, जो भी डिपोजिशन लिया हुआ विटनेस का, तो मे ऑल्सो बी रिसीव्ड इन एविडेंस एनी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द केस बिफोर अनदर कोर्ट. तो दूसरे कोर्ट में सब्सिक्वेंट स्टेज में वो एज ए एविडेंस रिसीव किया जा सकता है. 289 इज दैट एडजर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग इन एवरी केस इन विच अ कमीशन इज इशूड अंडर सेक्शन 284 द इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग मे बी एडजर्न फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम रीजनेबल सफिशियंट फॉर द एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न ऑफ द कमीशन. तो जब कभी भी सेक्शन 284 में किसी विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू किया जाएगा, तो वो इंक्वायरी या ट्रायल एडजर्न की जाएगी उस वक्त के लिए जब तक वो कमीशन वापस ना आ जाए उसका एग्जामिनेशन रिकॉर्ड कर. सेक्शन 290 डील्स विद एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशन. सो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 286, 287 एंड 288 एज रिलेट टू द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कमीशन एंड इट्स रिटन shall apply in respect of commission issued by any of the court, judge or magistrate herein after mentioned as they apply to commission issued under section 284. The court, judges and magistrate referred to in subsection 1 are any such court, judge or magistrate exercising jurisdiction within an area in India to which the court does not extend, as the central government may by notification specify in this behalf. तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये कोर्ट अगर जहाँ जो एरिया में एक्सटेंड नहीं करता है, अप्लीकेबल नहीं होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा और वो बताएगा कमीशन से रिलेटेड चीजें. एनी कोर्ट जज और मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन एनी सच कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ एंड हैविंग अथॉरिटी अंडर द लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री और प्लेस टू इशू कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन रिलेशन टू क्रिमिनल मैटर. तो फॉरेन कमीशन के लिए जो भी चीज़ें है, या फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशन है, तो वो क्या होगा, एनी कोर्ट और जज और मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन एनी सच कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया. तो जो कोर्ट फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड इंडिया में जो कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा स्पेसिफाई करेगा उस तरीके से कमीशन अपॉइंट किया जाएगा सेक्शन 290 में. सो एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशन इज मेंशन अंडर सेक्शन 290. सो दीज आर द पर्टिकुलर प्रोविजन विच वी हैव डिस्कस. सेक्शन 284 टू 290 वी हैव डिस्कस. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.